Hello learners, welcome back to my channel Aim for Bhu. Today we will continue our topic for this week, business management. These days we are discussing the managerial functions, and it's time to move on to the next managerial function, which is directing. And if you have any queries relating to the previous videos and also this one, you can drop them in the comment box, and I will help you resolve them. And just to remind, through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now so students as you all know today we will discuss directing and directing being the most important managerial functions so let's see how direction is the uh, heart of management function all other functions of management such as planning organizing staffing they have no importance without directing and leadership motivation supervision communication are the various aspects of directing के तो यहाँ ये यह ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग दी हैव नो इम्पॉर्टेंस विदाउट डायरेक्टिंग बिकॉज इफ़ यू कैन प्लान एफिशियंटली यू कैन ऑर्गेनाइज योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशियंटली कैन इवन स्टाफ योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली बट अगर चीज़ें एक्चुअली में आपकी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगी प्रॉपरली तो यू विल लीड टू नथिंग सो so, इसीलिए डायरेक्टिंग को सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन कहा गया है यहाँ पे ठीक है डायरेक्टिंग को इसीलिए एक्चुएशन भी बोलते हैं ये आप टर्म नोट कर लीजिएगा कि डायरेक्टिंग को अदर जो नाम बुलाते हैं वो क्या है तो वो एक्चुएशन है बिकॉज इट एक्चुअली इंप्लीमेंट्स एवरी और इसी मैनेजेरियल फंक्शन के थ्रू जो भी अब तक प्रीवियस मैनेजेरियल फंक्शन हुए हैं जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग ये सारी चीजें कहाँ इंप्लीमेंट होती हैं डायरेक्टिंग के साथ एंड डायरेक्टिंग के अंदर चार एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट इज लीडरशिप द अदर वन इज मोटिवेशन सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन इन्हें हम एक सेपरेट separate... सो so, इन्हें हम सेपरेटली डिस्कस uh, करेंगे अलग एक वीडियो में एंड टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट डायरेक्टिंग ठीक है एलिमेंट्स मैंने अलग रखा है सो लेट्स डायरेक्टिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ तो डायरेक्टिंग इज सेट टू बी अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट गाइड एंड ओवर सी परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स टू अचीव द दीडिट गोल्स

जो है सुपीरियर्स के पार्ट पे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं दे गाइड देम थ्रू आउट एंड दे ओवरसी सी दी परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं जितनी उनकी एबिलिटी है वो उतना जो है एफर्ट्स पुट ऑन कर भी रहे हैं या नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती हैं आपके डायरेक्टिंग में एंड इसीलिए इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन एंड दिस फ्रॉम वेयर एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स अभी तक सारी चीज़ें प्लान हो रही थी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही थी स्टाफिंग हो रही थी बट यहाँ से सारा जो एक्शन है ना दिस इनिशिएट्स और इसीलिए यहाँ पे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि डायरेक्टिंग को एक्चुएशन भी बोलते हैं तो यही रीज़न है कि यहाँ से जब सारी चीज़ें एक्चुअली स्टार्ट हो रही हैं इसीलिए इसको एक्चुएशन भी कहा जाता है सो डायरेक्टिंग इज सेड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू वर्कर्स ठीक है एंड इन फील्ड ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग सेट टू बी ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिज़ाइन टू इनक्रेज दी सबॉर्डिनेट्स टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशियटली हर वो चीज़ डायरेक्शन के जो है परव्यू में आ जाएगी अगर वो सारी एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड करती हैं आपके सबॉर्डिनेट्स की वर्किंग एफिशियंसी और उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी जो कैरी आउट की जाए वो आपकी डायरेक्शन है ठीक और आपको जो डायरेक्शन के या डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं आप तो डायरेक्टिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन हैं उनमें एक नूट एंड नोडल की तो देखिए हर एक मैंने जेरियल फंक्शन के लिए है डेफिनेशन वो भी इंपॉर्टेंट है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं मैंने अर्निस डेल की डेफिनेशन को हमेशा कोट किया है जब मैं स्टूडेंट थी ट्वेल्थ uh, में तो डायरेक्शन इज वॉट टेलिंग पीपल वॉट टू डू एंड सींग दैट डे डू इट इट टू द बेस्ट ऑफ़ देयर एबिलिटी यही थी डेफिनेशन आई थिंक अरनेस डेल की तो उन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ टेलिंग पीपल वॉट टू डू ठीक है इसमें दो चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की अरनेस डेल ने कि डायरेक्शन में हम दो चीज़ें करते हैं फर्स्ट वन इज टेलिंग पीपल वॉट दे आर रिक्वायर्ड टू डू एंड द अदर पार्ट बिकम्स कि हम देखते हैं डायरेक्टर ये देखता है दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी सो दे सो द सुपीरियर ही जो है वो क्या करता है वो ये चेक करता रहता है हमेशा कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर भी रहा है यानी वेदर ही इज पुटिंग ऑल दी एफर्ट्स ही कैन ठीक है ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टिंग में आती हैं लेट्स सी द फीचर्स ऑफ डायरेक्शन सो दिस फंक्शन इनकलकेट्स ऑल दीज फीचर्स So uh, एक एक uh, so uh, फॉर्म में काम करते हैं थीके? मिस्टर ए जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं मिस्टर बी मिडिल लेवल को और मिस्टर सी लोअर लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं ठीक है हियर मिस्टर ए विल फॉर्मुलेट प्लानिंग एंड जितनी भी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होंगी वो वहाँ से प्लान करके जो उनके सब है मिस्टर बी उन्हें फॉरवर्ड करेंगे तो मिस्टर ए यहाँ पे सुपीरियर है और मिस्टर बी जो है सबॉर्डिनेट है वो सारी वो प्लानिंग्स को फॉर्मुलेट करना है या कैसे करना है कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरह कैरी आउट करनी है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को फॉर्मुलेट करता है को पास ऑन करता है एक्चुअली ठीक है तो जब मिस्टर बी मिस्टर सी को चीज़ें जो है पास ऑन द एक्टिविटीज एंड दरेंट्स दे आर रिक्वायर्ड टू डू ठीक है तो वो सारी चीज़ें जब बी सी को पर पास ऑन कर रहे हैं तो मिस्टर बी इज़ दी सुपीरियर एंड मिस्टर सी इज़ सबॉर्डिनेट सो यू कैन सी एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो टॉप हो मिडिल हो लोअर हो हर जगह पर डायरेक्टिंग जो है इज प्रजेंट एंड हैंस इट बिकम्स ए परवेजिव फंक्शन एवरी मैनेजर वो किसी भी लेवल पर हो ही नीड्स टू गाइड एंड इंस्पायर हिज सब ऑर्डिनेट्स ठीक है So next comes the continuous activity direction is a continuous activities as it is continuous throughout the life of organization सो डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी एज इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दर्गनाइजेशन सो जब तक ऑर्गनाइजेशन है डायरेक्ट इन सस्टेंस ओके नेक्स्ट कम्स दी ह्यूमन फैक्टर सो डायरेक्शन फंक्शन इज रिलेटिंग टू दब ऑर्डिनेट्स एंड दे रे फोर इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर्स एंड सिंस ह्यूमन फैक्टर्ज कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर इज अनप्रीडिक्टेबल डायरेक्शन फंक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो वाई इट इज रिटर्न ओवर हियर दट ह्यूमन फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स अनप्रीडिक्टेबल ये सारी चीजें क्यों हैं यहाँ पे मैंशन एनी केस सो आइए से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं लेट्स अज्यूम कोई एक एम्प्लॉय है ठीक है हिज परफॉर्मेंस सिंस ही ज्वाइन दू फर्म वाज वेरी वेरी गुड बट सडनली आफ्टर से फ्यू ई ईयर्स उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जैसे वो पहले थी तो इसके क्या रीजनस हो सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि लाइफ बहुत लोगों को अपनी मोनिटरेंस लगने लगती है तो वो उस तरह से डेडिकेटेड नहीं रह जाते अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ की तरफ या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमोशनल ट्रामाज या कुछ सफरिंग्स फैमिली में ऐसी होती हैं ठीक है किसी नियर एंड डियर का डिमाइज हो जाना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस तरह की चीज़ें होती हैं सो दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सडनली कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है और सडनली उसका जो है काम के कैन बी डेट सडनली अनएम्प्लॉय हुज़ वर्किंग वेरी एफिशियंटली वेरी इफेक्टिवली ही डजेंट पेज मच अटेंशन नाउ ये सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं सो ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सो यहाँ पर डायरेक्शन फंक्शन के थ्रू इस तरह की सारी चीज़ें कोपअप की जा सकती हैं मैनेजर जो होता है उसकी ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है कि वो अपने जो है इस तरह के एम्प्लॉयज़ को हेल्प करे टू कम आउट ऑफ Come out of such difficulties and traumas. Next comes the creative activity. So, direction functions uh, helps in cre converting plants into performance, and without this function, people become inactive and physical resources are. सो डायरेक्शन फंक्शन इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एज इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग दी प्लान इन टू द परफॉर्मेंस सो जितनी भी चीज़ें प्लान्ड होती हैं प्लानिंग फंक्शन के टाइम पर वो सारी चीज़ें जो है इस वक्त जो है डायरेक्टिंग फंक्शन के साथ वहाँ पर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होती हैं सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिएटिव फंक्शन एज वेल सो विदाउट दिस फंक्शन पीपल पीपल विल बिकम इन एंड फिजिकल रिसोर्स आर मीनिंगेस सो अगर हम चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो जो है लोगों के को पास कोई काम नहीं होगा आपके जो फर्म के पीपल हैं पर्सनल हैं उनके पास कोई काम नहीं रहेगा एंड फिजिकल रिसोर्सेज बिकम मीनिंगलेस ठीक है नेक्स्ट कम्स दी एग्जीक्यूटिव फंक्शन डायरेक्शन फंक्शन इज कैरीड आउट बाई ऑल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव एट ऑल लेवल्स थ्रू आउट दी वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज सब ऑर्डिनेट्स रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिस्स सुपीरियर ऑनली अभी मैं ऊपर भी ये चीज़ डिस्कस कर रही थी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि हर एक सब का जो है एक सुपीरियर होता है और उस सुपीरियर का भी एक सुपीरियर होता है तो ये सारी चीज़ें उन इसी तरह से फ्लो करती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हर होती है याश्लॉन होता है उसके थ्रू सो डायरेक्टिंग फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाय ऑल मैनेजर्स ठीक है वो जिस भी लेवल पर हो जिस भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पोजीशन पे हो जितनी भी उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उनको जो है डिस्क्राइब किया जाता है जिस भी तरह से तो जितने भी मैनेजर्स हैं एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे ही डायरेक्शन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सो दिस डायरेक्शन फंक्शन बिकम्स द एग्जीक्यूटिव फंक्शन नेक्स्ट कम्स द डेलीगेट फंक्शन सो डायरेक्शन इज सपोज टू बी अ फंक्शन डीलिंग विद ह्यूमन बींगस ह्यूमन बिहेवियर इज इनप्रडिक्टेबल बाय नेचर एंड कंडीशनिंग द पीपल बिहेवियर टूवर्ड्स दी गोल ऑफ द इंटरप्राइज इज वॉट द एगजीक्यूटिव डज इन द फंक्शन सोज सो देर फोर्द इट इज टर्म्ड एज हैविंग अ डेलीकेसी इन निट टू टैकल द ह्यूमन बिहेवियर सो ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी अनप्रडिक्टेबल ये अभी हमने डिस्कस किया ही है थोड़ी देर पहले सो so, So, अगर एक इम्प्लॉय अपने वर्क uh, के लिए इतना डेडिकेटेड अभी नहीं दिख रहा हो अगर मैनेजर को तो वो उससे बात कर सकता है ही कैन कंडीशन हिम ही कैन लिसन टू हिज प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम टू कम कम आउट ऑफ इट एंड कोप अप विद सच चेंजेस ठीक है तो ये सारी चीजें एंड दिस ऑल दिस इज सो नॉल इट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग सो डायरेक्टिंग और डायरेक्शन फंक्शन इज सेट टू बी दी हार्ट ऑफ मैनेजमेंट processes and therefore it is the central point around which accomplishment of goals takes place. A few philosophers calls direction as the life spark of an enterprise. So abhi tak humne heart of management padha directing ka other जो उसको जिस तरह से refer किया जाता है, ठीक है, actuation से भी directing को ही refer किया जाता है and life spark of an enterprise भी directing के लिए ही कहा गया है। so आप अब आप समझ सकते हैं कितना important है ये function सो डायरेक्टिंग इज सेट टू बी दार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसिज इज़ इ सेंट्रल पॉइंट विच थ्रू विच अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स टेक प्लेस सो सारी प्लानिंग सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट ही ना हो तो वो किस काम की तो इसलिए डायरेक्शन सबसे 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 इम्पॉर्टेंट जो है यही मैनेजेरियल फंक्शन होता है दैट्स हाउ फ्यू फिलोसफर्स फ्यू ऑथर्स हैव डिस्क्राइब्ड इट एज दी लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन Uh, actuating function of management because it is through direction that the operation of an enterprise actually starts. So, being the central character of enterprise, it provides many benefits to a uh, concern. So, let's discuss them in detail. So, the first one is it initiates action. Direction is the function which is the starting point of the work performance of subordinates it is from the this function the action takes place Subordinates understand their jobs and do according to the instructions laid. So direction se so, hi sara, action jo hai it begins and as this function is the starting point and Through directing they are provided with the instructions and whatever are plans uh, laid ठीक है कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली वंस द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स इट इज़ देयर दैट द डायरेक्शन बिकम्स बेनिफिशियल सो सारी जो प्लानिंग है जब वो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाए एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो जाए तब ये पता चलता है कि हाउ वेल इट इज़ बीन एग्जीक्यूटेड या ये जिस तरह से प्लान की गई थी उस तरह से एग्जीक्यूट हो भी पा रही है यानी तो ये सारी चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वो है आपका डायरेक्शन सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो नेक्स्ट So the next importance relates to efforts. So directing it integrates efforts. Uh, so let's see how. Through direction, the superiors are able to guide, inspire, and instruct the subordinates for work. For this efforts of every individual towards accomplishment of goals are required. Okay, it, it is through direction the efforts of every department can be related and integrated with others. This can be done through persuasive leadership and effective. कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स सो यू ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिपार्टमेंट्स में काम करती है सो so हर एक डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहा है तो वो सारे एफर्ट्स अगर इंटीग्रेट नहीं होंगे एक साथ क्लब नहीं किए जाएंगे तो हाउ यू विल गेट दी एक्चुअल वर्क डन सो so, इसलिए जो डायरेक्टिंग है इसके थ्रू जितने भी एफर्ट्स या जितनी भी जो है एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं वो सारी जो है इंटीग्रेट कहाँ से की जाती हैं डायरेक्टिंग के थ्रू की जाती हैं सुपीरियर्स दे आर एबल टू गाइड इंस्पायर एंड इंस्ट्रक्ट देयर सबॉर्डिनेट्स फॉर वर्क एंड डायरेक्टिंग के ही थ्रू एफर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल द दम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स आर रिक्वायर्ड क्या इट इज़ थ्रू डायरेक्शन ऑफ़ एवरी डिपार्टमेंट कैन बी रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद अदर्स सो अगर आपके सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके आपस में एफर्ट्स इंटीग्रेटेड नहीं है तो हाउ दे विल गेट टू नो कि उन्हें कितना जैसे सो so आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि हाउ मच डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इज देयर इन द मार्केट बट अगर वो ये चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ शेयर ना करे है ना तो कैसे पता चलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हाउ मच यूनिट्स दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस विद इन दैट टाइम फ्रेम ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसी तरह से डायरेक्टिंग के थ्रू अगर सारी चीज़ें कम्युनिकेटेड नहीं रहेंगी कम्युनिकेशन बीइंग द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन सो सारी चीज़ें इसी तरह से इंटीग्रेट की जाती हैं हर एक डिवीजन हर एक डिपार्टमेंट के की एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स को इसी तरह से इंटीग्रेट किया जाता है सो so, दैट जो स्मूथ रनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो देखी जा सके और ये भी देखा जा सके कि जो सारे एफर्ट्स हैं वो सारे जो है एक ही डायरेक्शन में यानी कि अकम्पलिशमेंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो सारे एक ही डायरेक्शन में वर्क करें Next is the means of motivation. So direction function helps in achievement of goals. A manager make use of the element of motivation here to improve the performances of subordinates. This can be done by providing incentives or compensations, whether monetary or non-monetary. Okay, this serves as the morale booster to the subordinates, and motivation is also helpful for the subordinates to give the best of their ability, which ultimately helps in growth. So. डायरेक्शन इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन अगेन बींग द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इसे हम सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे फिलहाल आप ये देख लीजिए कि मोटिवेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन uh, फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए सो so, डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन अचीवमेंट्स ऑफ गोल जो मैनेजर होता है ही यूजेज द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन हियर टू एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ हिज हिस्सिनेट्स एंड दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग द इंसेंटि और कंपनसेशन सो मोटिवेशन जो है आपका मोनिट्री मोटिवेशन भी हो सकता है या नॉन मोनिट्री मोटिवेशन भी हो सकता है एंड दिज ऑल दिस सर्वस एज अ मोरल बूस्टर टू दी सबऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेशन इज़ हेल्पफुल फॉर दबॉर्डिनेट्स टू गिव द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी सो अगर हमें कोई किसी तरह से मोटिवेट किया जाए मॉनेटरी भी हो सकता है नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय को अगर इस तरह से मोटिवेट किया जाए तो ही विल बी ही विल बी मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क एंड हिज एबिलिटीज विल इंक्रीज सो so next uh, importance is about stability so direction it provides stability stability and balance in a concern becomes very important for a long-term survival in the market this can be brought upon by the managers with the help of four tools or or elements of direction function judicious uh, judicious blend of persuasive leadership effective communication strict supervision and efficiency so, these four elements of direction function, leadership, communication, supervision, and motivation, they help the uh, business firm to uh, find stability and balance. And if a firm will be stable and be able to survive in the long term in the market, and stability is very important since that it is an index of growth of an enterprise. Therefore, a manager can use all of the four traits in him so that the performance standards can be maintained. So, stability is very important just firm firm's viewpoint. This helps in the organization to grow effectively. And therefore, the manager can use all the four elements of uh, the direction function to maintain the performance standards. Okay. Next comes the coping up with the changes. आई नो स्टूडेंट्स आप लोग को लगता होगा कि मैं कितने लंबे लंबे स्लाइड्स बनाती हूँ एक ही स्लाइड में कितना कुछ लिख डालती हूँ तो ऐसा नहीं है कि uh, सारा कुछ लिख देने से ही कोई टॉपिक कवर हो सकता है मैं इतना सब कुछ इसलिए लिखती हूँ क्योंकि जितना मैं लिखूँगी आप उससे कम ही अपने नोट्स बनाएंगे तो मैं यहाँ ढेर सारा लिख देती हूँ ताकि आप जो भी नोट्स बनाएं वो कम्प्लीटली कवर्ड हो ठीक है सो नेक्स्ट कम्स द कोपिंग ऑफ विद द चेंजेस सो इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर दैट ह्यूमन मीन्स सो शो रेजिस्टेंस टू चेंज एडेप्टेबिलिटी विद चेंजिंग इन्वॉर्मेंट हेल्प इन सस्टेनिंग प्लान ग्रोथ एंड बिकमिंग दी मार्केट लीडर सो बिजनेस इन्वॉर्मेंट बींग द डायनामिक इन्वामेंट वहाँ पर हर चीज़ बिजनेस में चेंज होती रहती है और अगर हम हम अपने अकॉर्डिंगली उन चेंजेस के अकॉर्डिंग उसे कोप अप नहीं करेंगे उनके साथ चेंज नहीं करेंगे तो बिजनेस की सारी चीज़ें दे विल समे विकम ऑब्सोलीट सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमेशा बिजनेस फॉर्म को दे हैव टू कोप अप विद द चेंजेस एंड क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना जो हैं उस फर्म के दे ऑलवेज टू चेंज सो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है नन ऑफ अस लाइक टू अडॉप्ट अ चेंज इंस्टेंटली सो इट इज अ डायरेक्शन फंक्शन इट इज थ्रू डायरेक्शन फंक्शन विच इज दूज टू मीट विद द चेंजेस इन इन्वॉर्मेंट बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल so effective communication helps in coping up with these changes it is the role of manager here to communicate the nature and can implement such changes and without any resistance from its uh, human resources so here enters the direction function so the director so the director through effective communication helps in coping up with such changes it is the role of manager here to communicate the nature and contents of changes very clearly to his subordinates so he uh, communicates to his uh, subordinates about the change its nature and its contents etc and this helps in clarification and easy adoption and smooth running of an enterprise सो so, कोई भी बिजनेस फर्म बी एट दी आ, वेरी लार्ज स्केल फर्म और स्मॉल स्केल फर्म जो भी चेंजेस उनके इन्वॉर्मेंट में हो रहे होते हैं दे कैंट इवेट दैम एंड दे हैव टू अडोप्ट विद सच चेंजेस एंड अपने एम्प्लॉइज़ को भी उन्हें देखना है कि वो उन चेंजेस को रजिस्ट ना करें उन्हें ईजिल अडोप्ट कर लें तो ये जो है डायरेक्शन के थ्रू पॉसिबल है थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन डायरेक्टर और दी मैनेजर ही कैन कम्युनिकेट क्लियरली कि वो जो चेंजेस हैं वो क्यों ज़रूरी हैं हमारी कंपनी के लिए या इंटरप्राइज के लिए सो so इसे आप एक एग्जाम्पल से देख लीजिए ये एग्जाम्पल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो है यहाँ पे कोट किया हुआ है सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ कंसर्न शिफ्ट फ्राम हैंड लूम्स टू पावर लूम्स तो हैंड लूम्स क्या होते थे वो मैनुअली जो है वीव करते हैं थ्रेड्स से जो है फैब्रिक को और उसकी जगह जो पावर लूम्स होते हैं दे आर मोर मैकेज एंड उसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है दे आर मशीन्स ऑफ कोर्स सो एन इम्पोर्टेंट चेंज इन टेक्नीक ऑफ प्रोडक्शन दिस टेक्स प्लेस इन अ फर्म मान लीजिए कोई भी एक एक्सवाइजेड टेक्सटाइल फर्म है जिसने हैंडलूम्स को रिप्लेस करके पावर लूम्स इंस्टॉल किए हैं सो दिस रिजल्टिंग फैक्टर आर लेस ऑफ मैन पावर एंड मोर ऑफ मशीनरी दिस कैन बी रजिस्टर्ड बाय दी सब सो जो उस फर्म के सबॉर्डिनेट्स होंगे ना दो दे माइट रिजिस्ट द चेंज एंड द मैनेजर्स हियर कैन एक्सप्लेन दैट द चेंजेस वर इन दी बेनिफिट ऑफ दी

this can be done only by the effective communication of the manager so next comes the efficient utilization of resources so direction helps in clarifying the role of every subordinate towards his work so the resources can be utilized properly only when less of wastage duplication of efforts overlapping of performance etc doesn't take place so uh, किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है जहाँ पे वेस्टेज बिल्कुल भी जो है मिनिमाइज्ड हो वर्क जो भी किया जा रहा है जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो डुप्लीकेसी उसमें ना हो ओवरलैपिंग ना हो परफॉर्मेंसेस की ये सारी चीज़ें जो है आपकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं तो ये डायरेक्शन के थ्रू आप इसे भी मैनेज कर सकते हैं कि आपकी यूटिलाइज जो रिसोर्स हैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके सो थ्रू डायरेक्शन द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स बिकम क्लियर एज मैनेजर मेक्स यूज ऑफ हिस सुपरवाइजरी द गाइडेंस ठीक है इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेशन स्किल सो यहाँ पे जो डायरेक्शन का सुपरवाइज सुपरविजन जो एलिमेंट होता है सुपरविजन वो यूज हो रहा है यहाँ पे द डायरेक्टर ही क्लैरिफाइज द रोल्स ऑफ एवरी सब अंडर और मैनेजर की जो गाइडेंस होती है जो इंस्ट्रक्शंस ही प्रोवाइड्स देम टू दी सबॉर्डिनेंट दिस इंसपायर्स दी सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प्स इन मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ मेन मशीन मटेरियल एंड मनी विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स. सो टू इन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड्रीज

मोटिवेशनल प्लान विद्यूटेबल रिवॉर्स दैट कैन मोटिवेट एन इम्प्लॉय टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफिस एबिलिटीज एंड ये सारी जो चीजें हैंट वॉट इट विल रिजल्ट रिजल्ट इन दी मैक्म इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एवरी इम्प्लॉय एंड हेंस इट विमेटली लीड टू दी मैक्माइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गनाइजेशन टू अचीव द predetermined goals, so this principle becomes really really important. Next comes the harmony of objectives. So sometimes there is a conflict between the organizational objectives and the individual objective objectives. aisa क्यों hota hai dekh lijiye यहाँ मैंने कि example quote किया है आपके लिए that एक organisation है जो अपने financial year का जो profit उसने earn किया है एक financial year में, वो उसे retain करना चाहती है ठीक है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ऐसा लग रहा है शायद कि उन्हें जो है जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसका एक मेजर शेयर उन्हें एक बोनस की तरह जो है रिसीव होना चाहिए बिकॉज दे हैव वर्क रियली हार्ड फॉर इट सो दिस माइट रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके बीच में और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में यानी जो वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच में एक कन्फ्लिक्टाइज़ हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर का उसका क्या करना चाहिए सो डायरेक्ट सो हियर एंटर्स डायरेक्टिंग सो डायरेक्टिंग के थ्रू डायरेक्टिंगज एन इम्पॉटेंट रोल इन प्ले इस्टेबलिशिंग द हार्मोनी एंड कॉर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोध दी पार्टीज सो थ्रू डायरेक्टिंग सो थ्रू डायरेक्टिंग बोध दार्टीज कैन भी कन्विंस्ड ऑन वन ग्राउंड सो वो uh, उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट उन्हें रिजोल्व किया जा, जा सकता है वो कैसे होता है डायरेक्टिंग के ही थ्रू सो दैक्स्ट Principle here is unity of command. So, uni means single, so, command is any yeah, single command. So, this principle states that a subordinate should receive instructions from only one superior at a time. If he receives in instructions from more than one superior at the same time, it will create confusion, conflict, and disorder in the organization, and he will not be able to. प्रायरिटाइज वर्क सो अगर एक सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो देर विल भी नो चांस ऑफ क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजन अ कंफ्लिक्ट और डिसडर उसको पता होगा कि उसे कौन से टास्क कब परफॉर्म करने हैं उसे टाइम फ्रेम भी पता होगा तो ही विल भी एबल टू मैनेज हिज वर्क वेरी ईजिली एंड अगर उसे एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो दैट माइट क्रिएट अ कन्फ्यूजन कि विच वन विच टास्क ही मस्ट प्रायोरिटाइज और वो कौन सी जो है पहले करे टास्क तो ये कन्फ्यूजन हो सकती हैं तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी देयर जस्ट टू इन्हांस दी इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क डन बाय एनी एम्प्लॉय सो दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट कम्स द

ये जो है हमेशा मैनेजर के ऊपर होता है उसके पार्ट पे होता है तो ही मस्ट प्रॉपरली चूज़ अमंग दी वेरियस डायरेक्शन टेक्निक्स और ये जो है फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इट कैन बी बेस्ड ऑन दी इम्प्लॉयज़ नीड्स एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटीज हिज एटीट्यूड एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स माइट अफेक्ट सो ये सब चीज़ें देखते हुए मैनेजर मस्ट मेक अ वाइज डिसीजन ऑफ यूजिंग दीज डायरेक्शन टेक्निक्स टू

और जो रिसीवर है उसने सेम इंटेंशन से ही उस चीज़ को समझा है जो इंटेंशन कम्युनिकेट करनी थी सेम मीनिंग ही परसीव की है उसने कुछ और तो नहीं समझा है ये बहुत होता है कम्युनिकेशन में सो मैनेजेरियल कम्युनिकेशन में भी यही है द मैनेजर मस्ट सी दैट इफ़ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द एम्प्लॉय हैज़ बीन कन्वेड प्रॉपरली एंड क्लियरली एज़ वेल ठीक है एंड ही मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द एम्प्लॉई हैव अंडरस्टूड द सेम मीनिंग जो कि मैनेजर उसे कन्वे करना चाहता था तो ये बहुत जरूरी हो जाता है ये प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कम्स द यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन

जो मैनेजर है इफ़ ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट सम समफॉर्मेशन ही कैन आइडेंटिफाई सच इन्फॉर्मल ग्रुप्स एंड यूज़ देम टू कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन ठीक है मैनेजर अगर इस तरह के इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइज जो ग्रुप्स हैं उसमें अगर कोई अगर जो है कम्युनिकेट करना चाहता है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो उन ग्रुप्स तक अगर बात पहुँचती है ना तो देयर कैन बी अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग सीनियर्स हैं सब ऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स जैसे भी उसमें उस ग्रुप में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं ना देर इज़ नो सच रूल एंड रेगुलेशन की uh, जो है एक सुपीरियर से दूसरे जो है सुपीरियर तक बात जाएगी फिर उसके सुपीरियर तक बात जो है इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी तभी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हाय की फॉलो करते हुए जाती है ना फॉर्मल में बट इनफॉर्मल में क्या होता है देर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देर इज़ नो सच सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्री ऑफ सच रूल्स सो इसलिए जो मैनेजर है अगर उसे कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो वो इनफॉर्मल ग्रुप्स का भी यूज़ कर सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए सो दीज इससे फायदा क्या होता है बेसिकली कि जो कम्युनिकेशन है जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली सॉरी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो पाती है नेक्स्ट कम्स दी लीडरशिप सो मैनेजर्स शुड पर्जेज अ गुड लीडरशिप क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस दि सब ऑर्डिनेट्स एंड मेक दैम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग सो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग इज वॉट लीडरशिप सो मैनेजर्स जो हैं उनकी जो लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं वो they should be such that the, their subordinates may in, get influenced uh, from them and they uh, follow their uh, instructions properly and इसलिए managers ki jo uh, leadership quality hai, that should be good enough to make them work according to managers wish Next comes follow through. So as per this principle, managers are required to monitor the extent to which the policies, procedures, instructions are followed by the subordinates. If there is any problem in implementation, then the suitable modifications can be made. So if instructions dena hi manager ki duty nahi hoti.

So, this is all for today. Thank you so much for listening patiently and hope the topic is now clear to you all. The other managerial function, the last one, will be covered in uh, upcoming videos and also the elements of directing. एंड यू कैन कन्वे योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स और थ्रू ई मेल मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा यू कैन फाइंड माई मेल आई डी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टेट यून टू माई चैनल अगर आपको बी एच यू बी कॉम एंट्रेंस या अदर एंट्रेंसेस से रिलेटेड कोई किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन मैंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इंक्लूड दैम एज वेल सो लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फर्गेट टू हिट द बेल आईकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल And stay home, stay safe, happy learning.